तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ग्लांस या एक क्रैश कोर्स हम कह सकते हैं कि सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं अबाउट लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट की हिस्ट्री कैसे है, कहां से ओरिजिनेट होता है, क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, वो एक हायरार्की फॉलो करता है। और वो हायरार्की कैसी है कि सबसे पहले ऊपर आता है, सेंटर, फिर स्टेट, और फिर आते हैं लोकल गवर्नमेंट्स। सेंटर और स्टेट्स तो अलग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से ही बात करी है, लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है और ये अप्लाई होता है अंडर आर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ आर इंडिया। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये था कि शुरुआत से बहुत सारी कमिटीज बनाई गई जो बताती थी कि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है जो ये काम कैसे करेगी। और उसी जो पहले जब शुरुआत में हमारी जो आई थी रिपोर्ट्स जो आई थी उसके बेसिस पे हमने क्या करा, लोकल गवर्नमेंट को क्या करा, इंट्रोड्यूस किया हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में। अच्छा, बिग इसमें बात देखने वाली ये है कि जो हमारा इसका एम क्या है। देखो एम क्या है कि सेंटर जो है ना, सेंटर जो है वो यहां बैठा है बिल्कुल दिल्ली में। अब आपने क्या करा, आपकी ये बात है कि आप सपोज करो आप उत्तराखंड में रहते हो, उत्तराखंड में आप एक सिटीजन हो और आपकी मांग ये है, आपने सिटीजन से ये चाहते हो कि आपके घर में पानी नहीं आता, वाटर सप्लाई आपकी नहीं आती, इसलिए आपने क्या करा एक एबीसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया और ये सोचा कि यार ये मेरी ये प्रॉब्लम सही करेगा। तो आपने यूनियन इलेक्शन में एक एबीसी पार्टी थी और उसको जिता दिया, वो न्यू दिल्ली में बैठा है, उसने आते ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े टेंडर्स पास कर दिए, पर आपकी जो वाटर सप्लाई उसने क्या करा, इंटरनेशनल रिलेशन सुधार दिए, डिफेंस में पैसा लगा दिया, सब कर दिया, पर आपकी जो आपसे ये मतलब है क्या डिफेंस वगैरह का, नहीं ना, आपकी प्रॉब्लम क्या, आपकी तो वाटर सप्लाई नहीं आ रही, ठीक है जी। फिर आपने क्या करा, स्टेट के इलेक्शन हुए, आपके उत्तराखंड जो स्टेट है उसका इलेक्शन हुआ, आपने एक बंदा इलेक्ट कर दिया, वो देहरादून में बैठा है कैपिटल में और वहां से वो क्या कर रहा है, वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी कर रहा है ना, जॉब ला रहा है, ये कर रहा है, तो इससे क्या आपकी वाटर सप्लाई सही हुई, नहीं हुई ना, क्यों, क्योंकि देखो गलती उनकी भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है। न्यू दिल्ली में बैठा बंदा आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आप सही समझ नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे उसके पास काम है, ये नहीं समझ सकता। सेम केस इस स्टेट गवर्नमेंट का भी है, तो क्या किया जाए कि भाई मेरी प्रॉब्लम तो रहती है ना, मैं तभी तो रिप्रेजेंटेटिव अपना इलेक्ट करता हूं कि जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सुधार हो। तो ग्रास रूट लेवल पे, क्या बोला मैंने, ग्रास रूट लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया जाए जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों की मांग है उसको सुने और उसको पूरा करे। उसके लिए लोकल गवर्नमेंट का जो आइडिया है वो कंस्टिट्यूट किया है। तो अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखूं तो बहुत सारी कमिटीज आई, कमिटीज फेल हुई, फिर वीपी सिंह की सरकार आई वो नहीं बना पाई इसको, राहुल गांधी की राजीव गांधी की सरकार आई वो भी इसको लीगल टेंडर या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर पाई, फिर पीवी नरसिम्हा राव की वो आई सरकार और वहां उस टाइम इसको एक क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिला। कैसे अमेंडमेंट मिला, देखो अब आपको मैं थोड़ी चीज समझाता हूं। लोकल गवर्नमेंट जो है ना आपकी, देखो आपका जो एरिया है ना वहां पे जो डिवीजन है वो अर्बन और रूरल में होता है। अर्बन इलाके मतलब सिटीज एंड टाउन्स, रूरल होता है विलेजेस। अब इसमें क्या बात करी गई, जो सिटीज एंड टाउन्स है ना इसके लिए बनाई जाएगी म्युनिसिपैलिटीज,
और विलेजेस के लिए बनाई जाएगी पंचायत्स। अब इसको क्या रखा एज अ थ्री टायर सिस्टम रखा, थ्री टीयर सिस्टम। सब एक बार सारी बातें हम समझेंगे। म्यूनिसिपैलिटीज को इसमें फर्दर डिवाइड किया तीन पार्ट में बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। किसके बेस पे? पॉपुलेशन के बेस पे। अच्छा, अब एक सिटी है, सिटी है और टाउन है, वो अर्बन भी हो सकता है, सेमी अर्बन भी हो सकता है। ये हम किस बात पे नोटिस करते हैं? पॉपुलेशन क्या है। जैसे बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है, छोटे सिटीज होती है, तो वो भी सिटीज के अंदर अर्बन के अंदर आते हैं, बट उनकी पॉपुलेशन बड़ी और घटती इतनी होती है। क्योंकि देखो, अगर एक सिटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एक सिटी की पॉपुलेशन काफी कम है तो उस पर कम ध्यान देना पड़ेगा एज कम्पेयरली टू द लिटल वन, सो फॉर्मर वन। सो पॉपुलेशन के बेस पे हमने क्या करा है, डिविजन किया है। तो पहले आप यहां आते हैं पॉपुलेशन मोर देन और इक्वल टू 10 लैक्स, मोर देन 10 लैक्स। अगर एक सिटी की या टाउन की जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 10 लैक्स है तो वहां पे आएगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर पॉपुलेशन 1 लाख टू 10 लाख है तो वहां पे बनाई जाएगी म्यूनिसिपैलिटी, और अगर पॉपुलेशन 30,000 से लेके 1 लाख तक है तो वहां पे बनाई जाएगी सिटी काउंसिल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो हमने जान ली, कि हर पॉपुलेशन की डिमांड अलग है और उसके हिसाब से आपने क्या करा, इसको बाइफर्केट कर दिया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम महानगर पालिका भी बोलते हैं। इसको नगर पालिका भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं नगर पंचायत। नगर पालिका और इसको बोलते हैं नगर पंचायत। अभी काम कैसे करते हैं, काम इसका समझते हैं, काम कैसे करते हैं। देखो, ये जो है ना तीनों के तीनों, काम कैसे करते हैं, काम इनका बिल्कुल सिमिलर है कि ये कंस्टिट्यूट कैसे करते हैं। देखो, ये जितने भी है ना, जितने भी एरिया, सपोज कम जहां पे, सपोज ये कौन सा एरिया, सपोज ये दिल्ली वाला एरिया है तो दिल्ली हो गया, ये छोटा कोई और शहर हो गया जैसे औरंगाबाद वगैरह, ये और छोटा शहर हो गया जिसकी है, बट है वो शहर, रूलर में नहीं आते, बात ये हमें जानने की है। ये जितना भी एरिया है ना, जैसे ये एरिया अलग, ये एरिया अलग, ये एरिया अलग, क्योंकि एक ही एक जगह पे एक ही चीज होगी, या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये जानने के बाद हम जो भी ये एरिया होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे वार्ड्स में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली, जो दिल्ली है, दिल्ली की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाएगा। अब जो दिल्ली है ना, दिल्ली इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको कैसे इलेक्ट करता है, दिल्ली अपने ये जो दिल्ली है ये वार्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल वार्ड्स। ठीक है, दिल्ली को हमने वार्ड्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हर एक वार्ड से, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बना दिए, वैसे तो बहुत सारे वार्ड्स होंगे, हर एक वार्ड से एक मेंबर इलेक्ट किया जाएगा, हर एक वार्ड से, फ्रॉम ईच वार्ड एक मेंबर इलेक्ट होगा। ठीक है, और ये जो मेंबर है वो पार्ट बनेगा किसका, म्यूनिसिपैलिटीज का, अपने उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और सिटी काउंसिल, बात समझ। और ये मेंबर्स अपने जो वार्ड की जो प्रॉब्लम्स है उसको लेके जाएंगे और उस पर सॉल्यूशन देंगे। तो ये भी क्लियर हो गया।
अब एक बात, ये तो हमने बात पढ़ ली, इसकी कंस्टिट्यूएलिटी कहां से मिली, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पार्ट बना। तो याद रखना जब हम अर्बन की बात करते हैं तो पार्ट 9, ठीक है ना, पार्ट 9 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और याद रखना, देखो अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि पार्ट 9 ए के अंदर हम अर्बन के बारे में पढ़ते हैं, रूरल में हम पढ़ते हैं पार्ट 9 के अंदर, ठीक है। इसको जो अपनी वो मिली 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको अपनी वो मिली है, और इसको मिली है 73rd, पहले हमें ये पढ़ना चाहिए था पर चलो कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमें ये मिली है। अच्छा अब देखो इनकी पावर्स क्या है, ठीक है, पावर्स इनकी क्या है कि भाई ये कौन से एरिया में काम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करा जाए, हल्का सा ध्यान दिया जाए, तो हमारे पास जो शेड्यूल है, जैसे हमारे पास कौन सा शेड्यूल है, हमारे पास 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में सेंटर स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में दिए कि भाई पावर्स टू मेक लॉज क्या क्या है। तो इन दोनों के पास भी पावर्स टू मेक लॉज है, लॉज इन सेंस कि मतलब किस किस एरिया पे काम कर सकते हैं। तो इनकी जो पावर्स की जो लिस्ट है जहां जहां पे काम कर सकते हैं वो गिवन है शेड्यूल 12 में, और इनकी गिवन है शेड्यूल 11 में। शेड्यूल 12 में 18 सब्जेक्ट्स गिवन है जिसपे ये अर्बन एरियाज की जो ये मेंबर्स होते हैं चुन के आते हैं वो काम करते हैं, और इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं जिसपे जो अभी हम पंचायत की बात करेंगे वो अपने आगे काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा ब्रीफ इसका बैकग्राउंड हो गया, तो ये याद रखना। बाकी अगर हम इसमें देखें पंचायत के बारे में पढ़ते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोलते हैं इसको। अब देखो बात यहां पे ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट लगता है यूपीएससी से कंसर्न अगर करो तो आप, तो पंचायती राज में भी 3-tier सिस्टम है, जैसे हमने बताया जिसमें 3-tier था वैसे इसमें भी 3-tier है। सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसको हम बोलते हैं जिला परिषद, दूसरा होता है ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, बहुत सारे नाम है, इसको हम बोलते हैं पंचायत समिति, तीसरे नंबर पे आता है आपका ग्राम पंचायत, ये विलेज के लेवल पे आती ना, इसको हम ग्राम पंचायत ही बोलते हैं। तो अब इसमें अगर हम बात देखा जाए प्रीसीडेंस ये भी फॉलो करता है, ठीक है ना, सबसे ऊपर ये होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, फिर ब्लॉक लेवल होगा, फिर ग्राम पंचायत होगा। अब यहां पे ध्यान रखना कि ग्राम पंचायत हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि हम पंचायत के वैसे तो ये भी सारे फोकस करने हैं, बट यहां पे हमारा मेन होना चाहिए कि हम विलेजेस की बात कर रहे हैं, जो विलेज लेवल होता है वो ये होता है विलेज लेवल में। अब यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो पंचायत समिति है, ठीक है, ये अभी हम बाद में बात करेंगे इसमें क्या है। पंचायत समिति जो है ये ब्लॉक है, ये करती है कंसिस्ट ऑफ वेरियस ब्लॉक्स, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं थोड़ा समझाने के लिए, जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति कंसिस्ट ऑफ वेरियस ब्लॉक्स, ठीक है, और ईच ब्लॉक जैसे इसमें ब्लॉक्स आ जाएंगे बहुत सारे, कैसे कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, कितने भी हो सकते हैं, ब्लॉक 3, हमने बोले 3 ब्लॉक है सपोज, और हर एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल विलेजेस होंगे, ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ वेरियस विलेजेस, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, वैसे विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, क्या बोला मैंने, एट ब्लॉक लेवल दैट इज पंचायती समिति कंसिस्ट ऑफ वेरियस ब्लॉक एंड ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ वेरियस विलेजेस, ठीक है ना। अब इस विलेजेस में समझना, ठीक है ना,
हर एक विलेज की अलग ग्राम पंचायत होगी, हर एक विलेज की क्या होगी, हर एक विलेज की अलग ग्राम पंचायत होगी। ईच विलेज हैज इट्स ओन ग्राम पंचायत। अब समझो ग्राम पंचायत क्या है, ये विलेज लेवल पे क्या है, एक लेजिस्लेटिव एंड ऑर्गन बॉडी है, एक लोकल गवर्नमेंट है जो ग्रास रूट लेवल पे विलेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और लॉज बनाती है। अब एक बात देखते हैं कि ये जो ग्राम पंचायत है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। देखो इसमें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है और एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में और लेजिस्लेटिव ऑर्गन में कौन कौन आता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इसमें है ग्राम पंचायत या जिसको हम बोलते हैं पंच। लेजिस्लेटिव ऑर्गन में आता है ग्राम सभा। ये ग्राम सभा ग्राम पंचायत के इलेक्शन कैसे कराती है वो देखते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया कि जितने भी ये जो विलेजेस हैं इनकी अपनी अपनी ग्राम पंचायत होगी। अभी जो विलेज है ना, सपोज करो जैसे मैं विलेज वन विलेज टू विलेज थ्री, मैं एक विलेज का उठा रहा हूं एग्जांपल, और विलेज का क्या होगा, ये जो विलेज है ये छोटे छोटे वार्ड्स में कन्वर्ट होगा। जैसे सपोज करो हमने विलेज वन ले लिया, अब जैसे ये विलेज है विलेज वन, हर एक विलेज का ऐसे ही होगा। ये जो ग्राम पंचायत है इसके इलेक्शन कैसे कराएगा, ये विलेज छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाएगा, ये जो गांव है ये छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हर एक ये जो पार्ट है ये हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, एक वार्ड कहलाएगा, और ये जो वार्ड है ये वार्ड क्या करेगा, इलेक्ट करेगा एक मेंबर, इलेक्ट करेगा एक मेंबर, और ये एक मेंबर पार्ट बनेगा किसका, पंच का। एक विलेज में 5 से लेके 20 मेंबर हो सकते हैं एक पंच में, पंच मतलब 5, तो 5 से लेके 20 के मेंबर हो सकते हैं, और इस पंच को हेड करता है कौन, हेडेड बाय अ सरपंच। ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं हल्का सा जूम कर देता हूं कि आपको दिख जाए। ठीक है, अब क्लियर है काफी। तो ये जो सरपंच है, इस सरपंच के इलेक्शन कैसे होंगे, ये डिसाइड होगा बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो ये मेंबर्स हैं, सॉरी ये सरपंच है, हर एक विलेज के सरपंच, इसका एक सरपंच, इसका एक सरपंच, जितने भी सरपंच है हर एक विलेज के, ये एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे किसके, और सॉरी एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे किसके, पंचायत समिति के, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। एक्स ऑफिशियल मतलब कि ऑटोमेटिकली फ्रॉम बाय बर्थ जो भी सरपंच होंगे हर एक विलेज के, एक ब्लॉक के अंदर, दूसरे ब्लॉक के अंदर, तीसरे ब्लॉक के अंदर, जितने भी ब्लॉक्स है उसके अंदर जितने भी विलेजेस है उसके हर एक सरपंच क्या होंगे, एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे ब्लॉक लेवल के। ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो चेयरमैन होते हैं उनका इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली, याद रखना। और जो ब्लॉक लेवल के जो मेंबर्स होंगे, चेयरमैन होंगे, वो एक्स ऑफिशियल होंगे, एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो चेयरमैन है वो भी इंडायरेक्टली इलेक्ट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसका जो सरपंच का इलेक्शन होता है डिसाइडेड बाय कौन, डायरेक्ट होता है बट डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो मैं अगर हल्का सा एक बार रिवाइज करा दूं, ब्लॉक लेवल दैट इज पंचायत समिति कंसिस्ट ऑफ वेरियस ब्लॉक, ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ वेरियस विलेजेस, ईच विलेजेस हैज इट्स ओन ग्राम पंचायत, टू इलेक्ट द ग्राम पंचायत और द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन दैट इज ग्राम सभा, ग्राम सभा मतलब ये पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेजेस,
18 ईयर से या 18 ईयर से जो प्लस होते हैं, जो यूनिवर्सल अडल्ट सर्च को वो अपना कवर कर लेते हैं, मतलब 18 साल से जो वोट के लिए होते हैं एलिजिबल, वो ग्राम सभा में कंस्टिट्यूट करते हैं। और इसकी जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है, एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है सरपंच के साथ, और वो ग्राम सभा की मीटिंग वो करवाता है ऑर्गेनाइज। तो जितने अब ये जो है, जो मैं फिर बताता हूँ कि पंचायत समिति कंसिस्ट ऑफ विलेज ब्लॉक, ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ विलेज विलेजेस, ईच विलेजेस हैज इट्स ओन ग्राम पंचायत। टू कंस्टिट्यूट द मेंबर इलेक्शन इन द ग्राम पंचायत, ईच ऑफ द विलेजेस इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस वार्ड्स, ईच वार्ड्स कंसिस्ट ऑफ वन मेंबर दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ अ पंच। द पंच क्वांटिटी इज ऑफ 5 to 20 मेंबर्स। पंच इज हेड बाय अ सरपंच। द सरपंच ऑफ ईच विलेजेस अंडर वेरियस ब्लॉक्स is an ex-official member of Panchayat Samiti, and the member of Panchayat Samiti is an ex-official member of district level, that is Zila Parishad. ठीक है? अच्छा, ये funds कैसे collect करते हैं? Funds का जरा देखते हैं। भाई अगर ये काम करने हैं, इनको अगर हमने 29 subjects बताए हैं और इनके 18 subjects बताए हैं कि इन पे काम करेंगे तो उन्हें पैसा भी चाहिए होगा। तो पैसा कौन कौन देता है? पहले तो स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो इनको परमिशन देती है लिवाए, कलेक्ट और एप्रोप्रिएट करना वेरियस टैक्सेस, फीस एक्सेट्रा। दूसरा पार्ट ऑफ फंड्स फ्रॉम स्टेट, भाई स्टेट के पास बहुत फंड है, टैक्सेस कमाते हैं वो, तो उसका कुछ पार्ट। थर्ड जो है ना वो ये है ग्रांट्स इन एड, ग्रांट्स इन एड जो स्टेट कमीशन वो फाइनेंस कमीशन बिठाई जाती है हर 5 साल में, और डिसाइड करती है कितना इन्हें ग्रांट्स इन एड मिलेगा, किस किस से, यूनियन से और स्टेट से। ठीक है? अच्छा, एक और बात याद रखना कि जो ये लोकल गवर्नमेंट है ना, लोकल गवर्नमेंट हम पढ़ते हैं कहां है, ये स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, एंट्री नंबर 5 ऑफ 7th शेड्यूल। मतलब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइज कराए, और ये ऑर्गेनाइज कराने का जो इनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो डीपीएसपी है, वो हम पढ़ते हैं इसमें आर्टिकल 40, गांधीयन प्रिंसिपल, जो कहता है कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, सारे पॉइंट्स में कवर हो चुके हैं, और देखा जाए तो काफी चीजें क्लियर हो चुकी है, बाकी इसमें लोकल गवर्नमेंट इसके अलावा कुछ पढ़ने को है नहीं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।